अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का नेचर ऑफ लाइट का इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूटन रिंग्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूटन रिंग्स है क्या। तो एक न्यूटन ने एक सेटअप अरेंजमेंट किया था जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए एक सेटअप अरेंजमेंट किया था, जिसको स्क्रीन पर जब ऑब्जर्व किया उस सेटअप के जरिए, तो कुछ ब्राइट और डार्क रिंग्स जो है वो स्क्रीन पर अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस हुई, जिनको नाम दिया गया था न्यूटन रिंग्स। न्यूटन वाज सेटअप एंड अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। अब उस सेटअप को आज हम जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो सेटअप है क्या, सबसे पहले उस सेटअप में डिस्कस यानी यूज किया गया सोर्स। सोर्स जो कि प्रोड्यूस करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट इन ऑल डायरेक्शन, अब ये डिस्पर्स लाइट है, लाइट प्रोपोगेट हो रही इन ऑल डायरेक्शन यानी थ्री डायमेंशनल है। अब इसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रखा गया, जैसे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब ये सोर्स मैंने लफ्ज यूज किया है, ये सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया है मोनो में सिंगल, सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप ये कह सकते हो कि ग्रीन, ब्लू, रेड जो आपकी लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। आप व्हाइट लाइट यूज नहीं कर सकते, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इवन आप जो सोडियम लाइट है उसको भी आप ये कह सकते हो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or 3 frequency या wavelength of light, so you cannot say that monochromatic. तो monochromatic light सही है, तो आप yellow light को कह सकते हो monochromatic light। अब आ जाते वापस, ये monochromatic light जब आपके पास होगी convex lens से, तो convex lens क्या करता है इन monochromatic light rays को converge करता है। And make these monochromatic light rays parallel to each other. फिर ये monochromatic light rays R1, R2, R3, ये monochromatic light rays, all these monochromatic light rays are focused अभी ग्लास प्लेट है लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इसका मकसद क्या है, जैसे ही ये मोनोक्रोमेटिक लाइट रे इस पर स्ट्राइक होगी तो ऑल दीज लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड हो जाएगी। इस रीजन की वजह से इस ग्लास प्लेट को हमने यानी न्यूटन साहब ने प्लेस किया एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ताकि लाइट रेज जो है इसे स्ट्राइक हो और रिफ्लेक्ट हो टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब होगा क्या, यहां इनके सामने रख दिया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस्ड ऑन प्लेन ग्लास प्लेट। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन ग्लास प्लेट, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, यहां पर एक गैप क्रिएट हो रहा है बिटवीन टू सरफेसेस, लोअर सरफेस ऑफ अ लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ अ प्लेन ग्लास प्लेट।
इस गैप को हम कहते हैं एयर थिन फिल्म, एयर थिन फिल्म। एयर थिन फिल्म इज इंक्लोज्ड बिटवीन टू सरफेसेस, लोअर सरफेस ऑफ अ लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एयर फिल्म की जो थिकनेस है जिसको हम सपोज कर रहे हैं टी के साथ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो थिकनेस है जीरो। ये थिकनेस जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होगी फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन, ये टी जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, ये लाइट रे जब यहां पर स्ट्राइक होगी तो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, फिर पार्शली ये इनटू द डेंसर मीडियम यानी इस लेंस के अंदर इंसर्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। अब वो जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जहां पर आई है उसी डायरेक्शन पर ये वापस जाएगी। इस वजह से जो आपका सेंट्रल पार्ट है उसका इमेज जो है वो डॉट बनेगा, सेंट्रल जो स्पॉट है वो आपका डार्क नजर आएगा। अब आते हैं वापसी, अब ये लाइट रे जब इस सरफेस से स्ट्राइक होगी रिफ्लेक्ट बैक होगी उसी डायरेक्शन में, फिर पार्शली ये जब इंसर्ट होगी इनटू द डेंसर मीडियम, अब इस कर्व सरफेस की वजह से इसको हम कहते हैं एयर वेज, ये आपका हो गया एयर वेज, कर्व सरफेस ऑफ एयर वेज। अब यहां पर ये जब स्ट्राइक होगी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी एट सर्टन एंगल, अब ये किसी उसी डायरेक्शन पर फॉरवर्ड यानी उसी डायरेक्शन पर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। अब वो एंगल डिसाइड करेगा ये थीटा। इसके बाद फिर ये पार्शली जब इंसर्ट होती है इनटू द एयर मीडियम, अब एयर मीडियम में ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने की वजह से ये आपके एक सिंगल लाइट रे जो है, एक सिंगल लाइट रे जो है वो स्प्लिट हो गई इनटू टू लाइट रेज, इसको मैं नाम दे रहा हूं R1 R2। अब ये दो लाइट रेज किसी ना किसी पॉइंट पर आपकी इंटरफेयर करेगी विथ ईच अदर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। अब आ जाते हैं वापस, तो इसका मकसद है जब ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेंगी, जब ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेंगी। अब आ जाते हैं जब ये ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेंगी तो वो फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेंगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, फिर एक गैप आएगा जिस पर आपका डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगा, फिर एक अगेन ये लाइन शो कर रही है अगेन ये ब्राइट फ्रिंजेस, तो ब्राइट फ्रिंजेस इन द शेप ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये इस तरीके से आपके अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपकी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसको हम कहते हैं न्यूटन रिंग्स। अब आ जाते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये डार्क, या ये कैसे पता चलेगा कि ये आपकी रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है अल्टरनेटिवली, तो यहां पर हम जो है वो मूवेबल बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर, क्योंकि ये लाइट रेज जब आपके रिफ्लेक्ट बैक होगी तो रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा इस सरफेस से टकराएंगे, इस सरफेस से टकराने से क्या कि पार्शली रिफ्रैक्ट होके फिर दोबारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की मैं बात कर रहा हूं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है और ये इंसिडेंट लाइट रेज है, दोनों में फर्क है। तो यहां पर आप लोग इसको ऑब्जर्व करोगे बाय यूजिंग मूवेबल माइक्रोस्कोप यानी एडजस्टेबल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के जरिए आप ये मल्टीपल रिंग्स जो है वो ऑब्जर्व करोगे
ब्राइट और डार्क की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको हम कहते हैं न्यूटन रिंग्स। अब आ जाते हैं वापस, ये अल्टरनेटिवली कैसे आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है, आप क्वेश्चन तो ये आता है पहले। अब हम आज के लेक्चर में जो पॉइंट आउट करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज, फिर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब हम ये तीनों चीजें डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग्स एंड रेडियस ऑफ डार्क रिंग्स। जब ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो आखिर में आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ये डार्क स्पॉट क्यों बनता है, इसका रीजन बताओ। तो अब हम आखिर में उसका रीजन भी देंगे। आ जाते हैं पहले, सबसे पहले तो पहले हमें बिटवीन टू लाइट रेज आपकी पाथ डिफरेंस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज। अब यहां से दोबारा हम स्टार्ट करते, भाई ये आपका है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट ग्लास प्लेट। सो व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट और थिन फिल्म, तो इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ थिन फिल्म से ये दोनों लाइट रेस रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये एक लाइट रे आपकी यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, अभी दोनों लाइट रेस आपकी किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरफेयर होंगी विथ ईच अदर। अब यहां पर हमें इसका पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो लेट सपोज करता हूं इसकी थिकनेस को मैं टी। अब लाइट रे आर वन और आर टू, अब यहां पर हम थोड़ा यूज करेंगे स्टोक्स ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ट्रीटमेंट लाइट रे, व्हेन लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मीडियम ऑफ कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, मैं बात कर रहा हूं गौर से दोबारा सुनना, व्हेन लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम ऑफ अपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, there is a phase change, light ray R1, ये मैं point बता देता हूं, light ray R1 reflected from denser medium, reflected from denser medium, there is a there is a change of phase, phase of 180 degree, ये मैंने light ray बन गया, which is equivalent, which is equivalent to the path difference of, to the path difference of lambda by 2। इसका मकसद यह है जो light ray आपकी denser medium से reflect होगी तो उसका जो phase change होगा 180 degree पर होगा, तो crest reflect होगी as a trough और trough reflect होगी as a crest, which gives the equivalent, which is equivalent to the path difference of lambda by 2 के। अब ये मैंने स्टॉक्स ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपकी जो फर्स्ट लाइट रे वो आपकी अपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी इसका मीडियम है डेंसर मीडियम, ये लेंस इसका मीडियम है। अब आया था वापस इसका सेकंड पॉइंट, व्हेन लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर मीडियम, अब मैंने वर्ड यूज किया है एयर मीडियम, रे आर टू reflected from air
मीडियम देर इज नो एनी फेज चेंज देर इज नो चेंज देर इज नो चेंज चेंज ऑफ इट्स फेज तो आपके लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से जब लाइट रे पास होगी तो उसका फेज चेंज नहीं होगा और अपर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से जब लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी तो उसका फेज चेंज होगा एट एंगल ऑफ 180 डिग्री विच इज इक्विवेलेंट टू द पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 ये आपके अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स ट्रीटमेंट के मुताबिक हमने डिस्कस किया है ठीक है जनाब अब आ जाते हैं वापस तो इनके दरमियान पाथ डिफरेंस क्या हुआ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज आर वन एंड आर टू अब ये पाथ डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज ये है सिग्मा से हमने डिनोट किया है अब पहले इस फिगर के हिसाब से चेक कर लेते हैं भाई इस फिगर के हिसाब से एट पॉइंट पी आर टू कवर ग्रेटर पाथ देन आर वन और यहां पर हमने इसकी जो थिकनेस है वो सपोज की है टी तो इसका मकसद ये आर टू ने टी एंड टू टी टू टी इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया और इस एंगल के मुताबिक हम चेक करें तो बेस और हाइपोटेन्यूज ये रिफ्लेक्शन आपका हाइपोटेन्यूज है सही है तो इस फिगर के हिसाब से ये एंगल है जो कि डिसाइड कर रही है थिकनेस की वेरिएशन सही है तो अब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन ये पता है कि आर टू ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है एज कंपेयर टू आर वन तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो टू टी के बराबर है एग्जैक्ट टू टी के बराबर नहीं है अप्रोक्सीमेटली टू टी के बराबर है हाँ अगर ये दोनों फ्लैट सर्फेस होती तो हम इसको टू टी कहते हैं जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में थिन फिल्म इंटरफेस में डिस्कस किया था लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है तो इस एंगल की वजह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज गिव्स अ रेशियो ऑफ कॉस थीटा तो यहां पर हम कंपोनेंट यूज करेंगे कॉस थीटा तो टू टी कॉस थीटा अब ये एंगल डिसाइड करेगा कि आर टू कितना जो है ग्रेटर है यानी इसका जो पाथ है कितना ग्रेटर है आर वन से तो ये एंगल भी डिसाइड करेगा तो एग्जैक्ट टू टी नहीं होगा दूसरा हमने अभी बता दिया है कि आर वन जो है उसका फेस चेंज हो जाता है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद और जो कि हमें पार्ट डिफरेंस देता है लैम्डा बाय टू अब वो लैम्डा बाय टू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है क्योंकि वो क्रेस्ट भी हो सकता है वो ट्रफ भी हो सकता है अगर वो क्रेस्ट है तो पॉजिटिव लैम्डा बाय टू का डिफरेंस होगा अगर स्टार्ट ही आपका ट्रफ से होता है तो वो नेगेटिव लैम्डा बाय टू का होगा तो हम क्या करते हैं मैथमेटिकली दोनों रखते हैं और ये दोनों सही हैं तो प्लस माइनस लैम्डा बाय टू ये हमने पार्ट डिफरेंस निकाल दिया बिटवीन टू लाइट रेज दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन जो कि हम आगे जाके यूज करेंगे अब आ जाते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अब हम आ जाते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर कंडीशंस फॉर मैक्सिमा अब कंडीशंस फॉर मैक्सिमा पर आ जाते हैं भाई हमें पता है पार डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस क्या है ये हमने ऑलरेडी निकाला भाई मैक्सिमम पर आपकी ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होगी ना तो हमने कहा कि पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू लाइट रेस अब वो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई पार डिफरेंस अब वो पार डिफरेंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था और वो पार डिफरेंस आपका निकला था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम लैम्डा अगर आप लोगों को याद हो तो इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू अब मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं कंपेयर इक्वेशन टू विथ इक्वेशन वन
कंपेयर इक्वेशन वन विथ इक्वेशन टू, तो जैसे हम कंपेयर करते हैं तो ये आपका आ जाता है 2t cos थीटा प्लस माइनस, आपकी मर्जी है माइनस भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है प्लस भी यूज कर सकते हो, दोनों सही है, दोनों सही है, प्लस भी यूज कर सकते हो माइनस भी यूज कर सकते हो, हम यहां पर माइनस यूज करते हैं लैम्डा बाय टू, और यहां पर पार्ट डिफरेंस आपका है एम लैम्डा, तो ये माइनस का लैम्डा बाय टू जो है जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और याद रहे या ये लैम्डा और ये लैम्डा मैं आपको पहले बता रहा हूं ये एन से शो कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रू डेंसर मीडियम और थिन फिल्म हम यूज करते हैं लैम्डा एन, और वो लैम्डा एन बराबर होता है लैम्डा अपॉन एन के, और एन शो करता है नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को। अब आ जाते हैं वापस, तो ये माइनस का लैम्डा एन अपॉन टू जब उधर शिफ्ट करेगी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2t cos थीटा m लैम्डा n प्लस लैम्डा n अपॉन 2। अब इसमें लैम्डा n जो है वो आपका कॉमन निकल रहा है, तो ये हमने कंप्लीट डिटेल के साथ ड्राइव किया है, और यहां पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप लोगों ने बड़े आसानी से निकाल दिया m प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा n, और याद रहे ये फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव ये पाथ डिफरेंस हमने किसके जरिए निकाला, कंस्ट्रक्टिव के, ये इक्वेशन शो करिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिन एयर फिल्म के लिए जो कि आपकी प्रोड्यूस हुई है इन दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस के जरिए, सही है। तो आ जाते हैं ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2t cos थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा। अब आ जाते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, अब पाथ डिफरेंस पर आ जाते हैं, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपार्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डिस्कस करने जा रहे हैं हम। अब याद रहे है, वो हमने निकाला था एम प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा एन, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने पाथ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाला था लास्ट लेक्चर में। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करता हूं मैं दोबारा इक्वेशन नंबर 1 के साथ, कंपेयर इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 3। तो जैसे मैं कंपेयर करता हूं तो यहां मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेस 2t cos थीटा, और यहां मैंने कहा था कि आप माइनस भी यूज कर सकते हो प्लस भी यूज कर सकते हो, दोनों सही हैं। अब माइनस और प्लस करने एक साथ करने का नतीजा क्या मिलेगा, यहां आपने माइनस यूज किया उसके बावजूद भी, माइनस यूज किया उसके बावजूद भी आपकी एक हाफ वेवलेंथ ऐड हो रही है, इसका मकसद ये आपकी ओल्ड सीरीज बनेगी। अगर यहां पर आप प्लस भी यूज करते तो आगे जाके फिर भी ऑड सीरीज ही मिलती, यहां ज्यादा से माइनस का डिफरेंस आता लेकिन फिर भी आपको ऑड सीरीज ही मिलती। यहां पर भी सेम सिचुएशन है, यहां अगर हम प्लस यूज करेंगे तो देखते हैं प्लस में क्या मिलता है हमें, प्लस लैम्डा एन अपॉन टू, और यहां पर एक ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो एम प्लस 1 अपॉन 2 जिसको हम कह सकते हैं ये लैम्डा एन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम लैम्डा एन, एम लैम्डा एन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस फिर लैम्डा एन अपॉन 2। अब ये लैम्डा एन मैंने प्लस का लिया है, उधर मैं शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पर मैं माइनस का लेता तो क्या होता, ये उधर जाके प्लस का हो जाता, हाफ हाफ बन के दोबारा एक लैम्डा बनता, ये कंप्लीट साइकिल बनती।
तो बताने का मकसद यह है कि जीरो से स्टार्ट हो या वन से स्टार्ट हो, जो आपका डिस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बना था आपके नॉर्मल इंटरफेरेंस पैटर्न पर, जो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्टिव का बना था, यहां पर बिल्कुल उलट बना है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली, हम ये कह सकते हैं इस पार्ट डिफरेंस आने के बाद, हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है ये माइनस प्लस का लेमडा बाय लेमडा एन अपॉन टू है, प्लस का है उधर शिफ्ट करेगी तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई अब इसका पाथ डिफरेंस जो है 2t cos थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा एन। अब यहां पर आ जाते हैं कि नतीजा क्या निकला, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में थिन फिल्म इंटरफेरेंस को डिस्कस किया था तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा बिल्कुल वही आया है, यानी जो कंस्ट्रक्टिव यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो हमें ये मिलना चाहिए था लेकिन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमें मिला है ये, जो कि नॉर्मल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बिल्कुल उलट है, यानी ये जो डिस्ट्रक्टिव का था वो कंस्ट्रक्टिव का हो गया पार्ट डिफरेंस, और जो पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव का था वो डिस्ट्रक्टिव का हो गया, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिला है पॉइंट ऑफ मिनिमा एम लैम्डा, यानी ये बिल्कुल इक्वल हो गया जो हमें अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पार्ट डिफरेंस यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो हम ये कह सकते हैं इस बेस पर कि न्यूटन रिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दिस अरेंजमेंट इज द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का ये प्रैक्टिकल जो है एक्सप्लेनेशन है न्यूटन रिंग। आया थे वापस, तो अब हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली, पार्ट डिफरेंस भी डिस्कस कर दिया बिटवीन टू लाइट रेस, हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी डिस्कस कर लिया, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास फोर्थ, अब हमें डिस्कस करने जाना है रेडियस ऑफ अ ब्राइट एंड डार्क रिंग जो कि आपके प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं रेडियस ऑफ अ ब्राइट रिंग और रेडियस ऑफ अ डार्क रिंग। रेडियस ऑफ अ ब्राइट रिंग सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं, अब रेडियस ऑफ अ ब्राइट रिंग हम निकालने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम एक रे डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें रीजन मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रिंग्स जो है यानी ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में क्यों बनती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्यों बनती हैं। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है जो कि रिफ्लेक्ट करता है अपने लोअर सर्फेसिस से, और उसके बाद जो थिन फिल्म है वो भी उसके जो थिकनेस है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ कर्वेचर। तो ये कर्वेचर नेचर के होने की वजह से, लेंस के कर्वेचर नेचर होने की वजह से आपके रिंग्स जो है वो रिंग्स जो है वो सर्कुलर फॉर्म में बनती है, ये इसका रीजन है और कोई भी रीजन नहीं है। अब आ जाते हैं वापस, अब ये हम रे डायग्राम बना रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपकी एयर फिल्म की थिकनेस है टी, टी को हमने सपोज किया है, लेट टी इज थिकनेस ऑफ एयर, ये आपका हो गया टी, ये डिस्टेंस हो गया ए टू बी। अब आ जाते हैं वापस, ये आपका पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर यानी हम लेंस की बात करने जा रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अब हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है, ये पॉइंट ओ कर देते हैं, ये सेंटर है, लेकिन हमें यह मालूम है कि बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है टी, और यहां से लेकर यहां तक का पूरा डिस्टेंस जो है वो आपका रेडियस है आर है, कैपिटल आर है। तो इसका मकसद यह है कि हम ये तो कह सकते हैं कि सी टू ओ अगर आर है तो भाई डबल रेडियस जो के डायमीटर के बराबर होता है, तो ये पूरी लाइन डायमीटर है और डायमीटर आपका बराबर होता है टू आर के। तो इसका मकसद है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका होगा आर माइनस टी, सिंपल, यानी टी आप निकाल दो तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा, यानी अगर ये आर है
तो उसका मसले ये भी आर होगा, और इस आर में से ये टी निकाल दो तो यहां से लेकर यहां तक का रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगा आपका आर माइनस टी। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर, ये आपका है आर, ये आर शो कर रहा है, स्मॉल आर शो कर रहा है रेडियस ऑफ अ रिंग्स को। अब ये जो डिस्टेंस है भाई, ये हम पहले कह चुके हैं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका आर है और रेडियस आपका सेम होता है एट एवरी शेप ऑफ अ सर्किल। तो इसका मतलब अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी आर है। अब आप चेक करो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और इसको मैं नाम देता हूं पी। अब मैं आ जाता हूं डेल्टा पी ओ बी, सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम हम यूज करने जा रहे हैं, सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल डेल्टा पी ओ बी विथ यूज ऑफ पैथागोरस थ्योरम या बाय यूजिंग ऑफ पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम हम यूज करने जा रहे हैं, तो पैथागोरस थ्योरम हमें मालूम है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेन्यूस आपका है ओपी, यानी जिसको आप पी ओ बी कह सकते हो, परपेंडिकुलर आपका है ओ बी डिस्टेंस, और बेस आपका है पी बी डिस्टेंस। अब आ जाते हैं जो हमने कंसीडरेशन किए, जो हाइपोटेन्यूस है वो आपका है आर, ये आर शो करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ओ बी, ओ बी आपका है आर माइनस टी, आर माइनस टी इसका करेंगे होल स्क्वायर। ये भी हमने पहले ही बता दिया है कि ये टी शो करता है थिकनेस ऑफ एयर फिल्म को, टी भी जो है वो आपका स्मॉल आर है, और ये स्मॉल आर शो करता है आपका रेडियस ऑफ रिंग को, और हमें निकालने हैं रेडियस ऑफ रिंग। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये आपका हो गया आर स्क्वायर माइनस टू आर टी प्लस टी स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर किया मैंने। अब ये सारे के सारे मैं शिफ्ट कर देता हूं एट लेफ्ट हैंड साइड, ये सारे के सारे टर्म्स में शिफ्ट करता हूं एट लेफ्ट हैंड साइड, तो यह आपका हो जाता है आर स्क्वायर, ये प्लस का आर स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का आर स्क्वायर है, ये माइनस का टू आर टी उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का टू आर टी हो जाएगा, और ये प्लस का टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर। ये हम अब निकालने जा रहे हैं आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर आपका बराबर हो गया 2RT माइनस टी स्क्वायर। अब आ जाते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थिकनेस की बात कर रहा हूं, तो थिकनेस जो है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो है, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, तो उसका मकसद इंक्रीज भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेट सपोज अगर इसकी थिकनेस जो है वो 0.1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये 0.01 हो जाएगा, तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है और भी ज्यादा या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो स्क्वायर टर्म जो है वो आपको और भी कम वैल्यू दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस स्क्वायर टर्म को निग्लेक्ट कर दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लेक्ट टर्म टी स्क्वायर। अब हमें इक्वेशन बड़ी आसान मिल गई, ये आपका हो गया 2RT, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2T इंटू आर। अब मुझे निकालना है रेडियस ऑफ अ ब्राइट रिंग, और रेडियस ऑफ अ ब्राइट रिंग आप निकालोगे बाय विथ यूज ऑफ अ कंडीशन, बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा जो कि अभी अभी हमने निकाला है,
कंडीशन फॉर मैक्सिमा वो हमने निकाला है अभी अभी, 2t cos थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा एन। अब ये लैम्डा एन जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन एन, और ये एन आपकी होगी फॉर एयर मीडियम। मैं थिन फिल्म की बात नहीं कर रहा, अब मैं ये वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर एयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है 1 फॉर एयर। ये एक और हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, तो इस हिसाब से हमें ये 2t cos थीटा मिला, m प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन n। अब ये 2t cos थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा n की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो ये आपका हो जाएगा 2t। अब ये cos थीटा और ऊपर से cos थीटा जो है वो इधर मल्टीपल में शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा n की जगह पर हमने लगा दिया 1 और ये cos थीटा हो गया अपॉन में, तो ये 2t की वैल्यू आपको मिली m प्लस 1/2 लैम्डा cos थीटा। इस 2t को मैं पुटअप कर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये मुझे मिल गया रेडियस ऑफ अ ब्राइट रिंग, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर देता हूं 2t की वैल्यू, तो जहां 2t है उधर मैंने ये वैल्यू लगा दी m प्लस 1/2 लैम्डा cos थीटा और इनटू आर, आपको रेडियस ऑफ रिंग निकालनी है तो ये स्क्वायर है उधर शिफ्ट करेंगे तो ये रेडिकल लग जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये रेडियस ऑफ रिंग आपको मिल गया एम प्लस 1/2 लैम्डा आर cos थीटा। अगर एंगल आपकी तो r इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा r cos थीटा, अब ये रेडियस ऑफ अ ब्राइट रिंग निकले, रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग एट एंगल ऑफ, अगर मैं इसके कह दूं कि इसकी एंगल जो है वो 0 डिग्री है, लेट सपोज करता हूं, लेकिन इसकी एंगल 0 डिग्री नहीं होगी, लेकिन मैं सपोज करता हूं तो एट एंगल ऑफ 0 डिग्री क्या होना चाहिए, तो एट एंगल ऑफ 0 डिग्री आपका रेडियस ऑफ रिंग जो है, रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए cos 0, आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो cos 0 आपका 1 के बराबर होता है, तो उस हिसाब से फिर ये आपका फार्मूला बन जाएगा m प्लस 1/2 लैम्डा r cos 0 आपके 1 के बराबर है। अब आ जाते हैं रिप्लेस करते हैं इसको, m को रिप्लेस m बाय n माइनस 1, वजह क्योंकि m जो है वो है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज और n हम यहां से शो कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिंग, तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज और ऑर्डर ऑफ रिंग। अब रिंग जो है वो आपकी एक रिंग आपकी पहले बन रही है, एडवांस बन रही है, तो इस वजह से हमने लगाया है n माइनस 1, तो यहां पर आपका रेडियस ऑफ रिंग का फार्मूला अब एक्चुअली हो गया, m की जगह पर n माइनस 1 लगाने से प्लस 1/2 लैम्डा आर, क्योंकि मैंने लास्ट से पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्लस लैम्डा बाय 2 भी रख सकते हो, माइनस लैम्डा बाय 2 भी रख सकते हो, इससे पहले थोड़ी पोर्शन में मैंने अभी अभी बताया, अगर आप माइनस के रखते पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में तो फिर ये आपका जो चूंकि हमने माइनस रखा, अगर प्लस रखते तो फिर ये माइनस में आ जाता, तो ये फार्मूला भी सही है चाहे आप इसको ऑर्डर रिंग के साथ शो करो, यहां हम रेडिकल लगाना भूल गए, ये रेडिकल, तो चाहे आप इसको रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग को एन यानी एन से शो करो, कैपिटल एन से जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिंग को, या फिर एम के साथ, दोनों सही है आपके। ये हमने निकाला है रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग। सिमिलर प्रोसीजर हम दोबारा अप्लाई करेंगे और हम निकालेंगे रेडियस ऑफ डार्क रिंग, रेडियस ऑफ डार्क रिंग निकालनी है
तो हम ये कह सकते हैं सेम प्रोसीजर दोबारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम यूज करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम की जगह पर कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमम रखेंगे। 2t cos थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा की जगह पर m लैम्डा यूज करेंगे। फिर दोबारा इसको हम n की जगह पर 1 रखेंगे और सेम प्रोसीजर अप्लाई करते जाएंगे तो हमें इन दी एंड मिलेगा, सेम प्रोसीजर हमने दोबारा अप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा m लेमडा r, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m लेमडा r अपॉन cos थीटा, यानी m लेमडा r अपॉन cos थीटा, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। और अगर m को रिप्लेस करोगे n माइनस 1 से तो ये रेडियस ऑफ रिंग आपको, रेडियस ऑफ डार्क रिंग आपको मिलेगा n माइनस 1 लेमडा r अपॉन cos थीटा। अब जो क्वेश्चन आपका आता है कि डार्क स्पॉट क्यों बनता है, अब n की वैल्यू 0 लगा के रखो, क्योंकि r अगर आप इफ m 0 लगाते हो तो आप खुद चेक करो m की वैल्यू 0 लगाओगे तब भी आपका रेडियस जो है वो 0 से ग्रेटर होगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका मकसद ये है कि आपकी ब्राइड रिंग बनी एट नियर टू सेंट्रल स्पॉट, तो जब ब्राइड रिंग बनी तो वो जो सेंट्रल स्पॉट है वो डार्क ही होगा। ये आपका आ गया रीजन। थैंक यू।